सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पर उड़ेगा, तो शायद दरभंगा एयरपोर्ट से यह संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा किराया अगर वसूला जाता है तो वो मिथिलांचल के लोगों से वसूला जाता है। 1 नवंबर को अगर आप फ्लाइट बुक करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर आप पटना से फ्लाइट बुक करते हैं दिल्ली के लिए 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को पटना से जो फ्लाइट का दाम है वो 3801 रुपये से शुरू है और 4010 रुपये तक है, यानी कि पटना से दिल्ली की फ़्लाइट। अगर आप दरभंगा से बुक करते हैं तो 5400 से फ्लाइट का दाम शुरू है, यानी कि 5400 रुपये से शुरू है और लगभग जो है 9879 रुपया यहाँ पर हमें बता रहा है, शायद आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बिहार में 3 एयरपोर्ट है, यानी कि 3 हवाई अड्डा है जहाँ से हवाई जहाज पकड़ कर आप कहीं दूसरे शहर में जा सकते हैं, पटना में, गया में और दरभंगा में। ये दरभंगा एयरपोर्ट है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। जब दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई तो ऐसा कहा गया कि अब जो है हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई जहाज़ में चढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट से अगर आप कहीं जाते हैं, दरभंगा से अगर कोई फ्लाइट लेते हैं, चाहे मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, कोलकाता के लिए, बेंगलुरु के लिए, तो पटना के मुकाबले लगभग जो है 2 गुना किराया वसूला जाता है। 1 नवंबर को अगर आप फ्लाइट बुक करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर आप पटना से फ्लाइट बुक करते हैं दिल्ली के लिए 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को पटना से जो फ्लाइट का दाम है वो 3801 रुपये से शुरू है और 4010 रुपये तक है, यानी कि पटना से दिल्ली की फ्लाइट। इसके अलावा अगर आप दरभंगा की बात करेंगे तो 1 नवंबर को, यानी कि वेडनेसडे के दिन, अगर आप दरभंगा से बुक करते हैं तो 5400 से फ्लाइट का दाम शुरू है, यानी कि 5400 रुपये से शुरू है और लगभग जो है 9879 रुपया यहाँ पर हमें बता रहा है, शायद आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो अगर पटना के मुकाबले दरभंगा की बात की जाए, जहाँ पटना का जो किराया फेयर मैंने दिखाया वो 4010 रुपया है, और वहीं अगर दरभंगा से देखा जाए तो 9879 रुपया है, यानी 9879 रुपया है, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा है। आखिर दरभंगा से जो फ्लाइट उड़ान भरती है, यात्री जो यहाँ से जाएंगे, तो किराया इतना ज़्यादा क्यों है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। फेस्टिवल सीजन है तो किराया बढ़ा दो, और भर दिन में देखा जाए तो यहाँ से 5 फ्लाइट जाती है और 5 फ्लाइट जो है वो आती है, यानी 10 फ्लाइट का आना जाना है, कुल 5 लगभग जो है 5 शहर के लिए। कहाँ से आई हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर से, अच्छा, ये बताइए कि किराया जो है वो पटना के मुकाबले में ज़्यादा है क्या? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? लगभग 2-3 हजार ज़्यादा। 2-3 हजार ज़्यादा है। 11 हजार लगा है। 11 हजार। अच्छा, और पटना से कितना लगता? मतलब पटना से हम लोग गए हैं 6 हजार कुछ समथिंग। अच्छा, 6 हजार, मतलब 6-5-5, मतलब तो दुगुना हो गया। और कॉस्टली हुआ। इसमें ये है कि जाने में हम लोग को कम पड़ता है, हाँ, और वापसी में हम लोग को ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, अगर सेम डे हम लोग बुकिंग चाहें कि आने और अप डाउन के करा ले, तो जाने का हमारा कम, आने का ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? अच्छा। कुछ इक्वल भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है? लगता है कि मनचाहा किराया। मनचाहा, बिल्कुल एकदम 100% आप सही कहा, सवाल किए, मनचाहा। तो क्या करना चाहिए किराया सस्ता? क्या करना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। हम आम नागरिक हैं, ये आप बड़े पैसे वाले नहीं, मीडियम क्लास के हैं हम, जो कमाते हैं भाई, वक्त की बचत के लिए हम प्लेन का सफ़र करते हैं। इसके मतलब ये नहीं कि हमारा गला यहीं कट जाए। अच्छा, अंदर में जो सुविधा है वो कैसे? पहले से अच्छा। अभी भी आप लोग बाहर आ करके रोड हम अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, आप भी बेंगलुरु से आई हैं? जी, हम लोग बेंगलुरु से। ये बताइए कितने देर की फ्लाइट है बेंगलुरु से? हम लोग वहाँ से करीब 1:35 में फ्लाइट। 1:35 में वहाँ से चले आइए, एक्यूरेट 4 बजे हमें आ गए। 4 बजे, 2.5 घंटा का सफर है। 2 घंटा 25 मिनट 25 मिनट लगा है। तो मतलब समय जो बताया जाता है ठीक समय नहीं, वो सही है। वो सही है, हाँ सही है। लेकिन
किराया से कहीं ना कहीं आम जन जो गरीब उस किराया से हम ग्रस्त हो रहे हैं। तो मतलब के जो बताया गया था कि नहीं हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा, ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये बताइए किराया कुछ ज्यादा है क्या? ज्यादा तो है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा किराया नहीं होना चाहिए। मतलब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता, कहाँ से बैठेगा? जो सर्विस में हम लोग हैं तो मान लीजिए अपने समय की बचत के लिए कि जल्दी से हम लोग पहुँच जाए। सुविधा की बात की जाए, फैसिलिटीज की अंदर में क्या सब है? मतलब सब सुविधा ठीक है।